हेलो फ्रेंड्स, लत्तू आर्य फैशन डिज़ाइनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्लीव डिज़ाइन लेकर के आई हूँ। तो इसके लिए देखिए, मैंने बाजू यहाँ पर कट कर लिया है, मैंने हाफ स्लीव ये कट किया है, हाफ बाजू में मैं डिज़ाइन बना रही हूँ। आप इसको कोहनी तक जो लेंथ आती है वहाँ तक भी आप इसको इस डिज़ाइन को बना सकते हो, जो 3/4 स्लीव बोलते हैं जिन्हें हम, उस पर भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हो। तो उसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पर ब्रोकेट का फैब्रिक लिया हुआ है और उसकी पट्टी की जो लंबाई है वो मैंने रखी है, देखिए 6 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है वो हमने रखनी है जितनी आपकी बाजू की मोरी है उससे आपको 1-1.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा रखना है। मेरा ये पट्टी इतनी ही थी तब मैंने पूरी रखी है, बट आप 1-1.5 इंच इसको एक्स्ट्रा रखिएगा। साथ में एक पीस और हम और काटेंगे, जो मैंने स्क्वायर लिया हुआ है वो देखिए, तीनों जो चारों तरफ है उससे मेरा 4.25 इंच है। तो इस तरह से देखिए, आपको भी ये कट कर लेने हैं। अब हम जो हमने ब्रोकेट का फैब्रिक लिया हुआ है, आप कोई भी और फैब्रिक ले सकते हो, तो इसको हम पहले एक साइड से फोल्ड कर लेंगे। किसी भी साइड से आपको फोल्ड कर लेना है इसको, जिस तरह से मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको भी करना है। इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे, टॉप स्टिचेस पर लगाएंगे। तो इस तरह से हम पूरी सिलाई लगा लेंगे अपनी पट्टी को एक साइड से फोल्ड करते हुए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो। अब देखिए, जो स्क्वायर पीस हमने कट किया है उसको हम सेंटर से यूं फोल्ड करेंगे और यहाँ पर 1/4 इंच मार्जिन रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। एक तरफ से हम सिलाई लगाएंगे, रॉन्ग साइड हमारी ऊपर की तरफ रहेगी, रॉन्ग साइड से हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब जो मेरे एक्स्ट्रा धागे हैं उनको मैं कट कर लूँगी और इसको अब हम राइट साइड की तरफ को टर्न करेंगे, दूसरी तरफ को हम इसको मोड़ेंगे। तो इस तरह से देखिए, मैंने यहाँ पर ये मोड़ ली। अब देखिए, जो सिलाई हमारी है उसको हम सेंटर की तरफ को रखेंगे, जिस तरह से आपको वीडियो में दिख रहा है, सेंटर के बीचों बीच हम इस सिलाई को रखेंगे और इसको थोड़ा सा नाखून से हम प्रेस करेंगे, इससे ये अच्छा सा हो जाएगा। आप चाहे तो इसको प्रेस भी कर सकते हो, दोनों तरफ मैं नाखून यहाँ पर लगा रही हूँ। तो इस तरह से देखिए, हमारी पट्टी ये बनकर रेडी हो गई। अब हमने देखिए बाजू लेना है, ये हम बाजू लेंगे, जो रॉन्ग साइड है हमारे बाजू की वो ऊपर की तरफ को रहेगी, ये रॉन्ग साइड है। अब हमने ये देखिए, पहले इसका सेंटर निकाल लेना है। सबसे पहले सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे, यहाँ पर देखिए बाजू के सेंटर पर मैंने एक मार्क कर लिया, रॉन्ग साइड की तरफ को आपने निशान लगा लेना है सेंटर में बीचों बीच। अब देखिए, जो हमने पट्टी काटी है छोटे वाली, जो स्क्वायर पीस हमने काटा था उसको देखिए, ये जो सिलाई है ये आपकी ऊपर की तरफ को रहेगी इस तरह से, और इस तरह से हमने इसको रखना है। आपने भी बिल्कुल सेम ऐसे ही रखना है, सेंटर में आपने रखना है इसको। और जो देखिए, जो ब्रोकेट का फैब्रिक है उसको हमने, उसको भी हमने रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ को रखना है। अब देखिए, सबसे पहले हमने बाजू रखा, उसके बीच में हमने वो पट्टी रखी और ऊपर हमने ब्रोकेट का फैब्रिक रखा, सारी हमारी रॉन्ग साइड है ये, ये देखिए ये भी रॉन्ग साइड है और बाजू की भी रॉन्ग साइड है। तो इस तरह से आपको भी रखना है। अब यहाँ पर हम 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेंगे, नीचे से 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए हम सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे बाजू में। इसी तरह से आपको भी सिलाई लगा लेनी है। अगर आप सिलाई से रिलेटेड कुछ और सीखना चाहते हो, एम्ब्रॉयडरी या फैब्रिक पेंटिंग, जो भी आप सीखना चाहते हो फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। अब बीच से भी आपको देख लेना है कि आपकी पट्टी हिली तो नहीं है, बिल्कुल सेंटर पर होनी चाहिए ये जहाँ पर हमने मार्क किया था। तो आप देखिए, अब हम इसको राइट साइड की तरफ को टर्न करेंगे, ये देखिए फिर राइट साइड की तरफ को आपकी ये साफ वाला हिस्सा आएगा। तो इसी तरह से आपको भी रखना है। एक्स्ट्रा जो भी धागे मेरे बाहर निकले हैं उनको मैं यहाँ पर कट कर लूँगी। अब देखिए, सबसे पहले जो पट्टी है हमारी उसको मैं पहले यहाँ पर दूसरी तरफ को हम सिलाई लगाएंगे इसको। तो देखिए, इस तरह से हम करेंगे और यहाँ पर जो मार्जिन वाला कपड़ा है उसको पकड़ेंगे और यहाँ पर पहले हम सिलाई लगा लेंगे। पट्टी को हम एक तरफ से स्टिच हो गई है हमारी, अब दूसरी तरफ से भी हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए, मैंने यहाँ पर अपनी पट्टी
स्टिच कर ली। सिलाई के ऊपर ही आपको सिलाई लगानी है जहाँ पर हमने पहले लगाई थी। अब इसको देखिए राइट साइड की तरफ को हम टर्न करेंगे और इसमें बीच में हमने प्लीट्स अच्छे से सिक्योर करनी है, अच्छे से डालनी है, छोटी छोटी प्लीट्स सेंटर पर। इस तरह से देखिए हमारी प्लीट्स ये डलगी छोटी छोटी, हाथ से ही आपकी ये आराम से डल जाएगी, साफ आपने रखना है इसको। अब दोनों तरफ से देखिए इस तरह से एक तरफ से हम पकड़ेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। मेरे फैब्रिक तो हल्का सा कम पड़ रहा है बट इसका कुछ नहीं है, मार्जिन में आ जाएगा। अगर आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हो पट्टी मोरी से ज़्यादा लेते हो तो फिर आपका अच्छे से ही आ जाएगा, या फिर आप बाजू के हिसाब से भी काट सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हम पहले सिलाई लगा लेंगे, हल्की सी दो छोटी छोटी प्लीट्स मैं यहाँ पर डाल रही हूँ नीचे की तरफ, इस तरह से बहुत ही छोटी प्लीट्स हम डालेंगे नीचे की तरफ को मैं डाल रही हूँ। इस तरह से देखिए हम ये सिलाई लगा लेंगे ऊपर ताकि हमारा कपड़ा खिसके ना, इसलिए हम ये सिलाई लगा रहे हैं। अब सेम ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर भी मैं हल्की सी प्लीट्स डालूंगी छोटी छोटी दो, जैसे मैंने एक साइड में डाली वैसे ही दूसरी साइड पर भी डालूंगी और यहाँ पर भी हम सिलाई इसको लगा लेंगे। कपड़े को आपने बिल्कुल भी नहीं खींचना है जब आप सिलाई दे रहे हो, जितना आपका फैब्रिक है वैसे ही आपको रहने देना है पट्टी का। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई भी लगा ली और हमारा बाजू का डिज़ाइन बनकर ये रेडी हो गया है, बोथ स्लीव डिज़ाइन हम ऐसे बोलूंगी। तो बहुत ही प्रिटी बनता है, आप जरूर बनाइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।